डर लग रहा है मेरे को जाने में। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी भी किले में हूँ और किसी देखिए ये कोई जगह है, काफ़ी अच्छी प्लेस है ये घूमने लायक भी, पर डरावनी भी लगती है भाई मेरे को। अलग अलग रूम है इसमें, काले काले अंधेरा डला है सारे रूमों में। क्यों राल भाई, कैसा लग रहा आपको यहाँ पे? बहुत भयानक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, क्या है कि जब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा ना, अजीब सी फीलिंग आ रही है। और ये देखिए मेरे पीछे इसमें अंधेरा रहता है। तो ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पे एक रूम है, मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये तो कह रहे हैं इसमें थोड़ा उजाला भी है, तो मैं आपको उधर साइड भी ले जाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, देखिए आप लोग आ जाओ। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये कौन खड़ा भाई, रवि भाई खड़े अपने। देखिए मोर दिख रहा है, कहाँ है भाई मोर? ओ भाई मोर दिख रहा है आपको, देखिए देखिए ये देखिए मोर डांस कर रही है, डांस कर रही है। ये देखिए नीचे आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया है पूरा, ये गुजरी महल है। ये इसमें राजा महाराजाओं के जो भी है तलवार वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैं आपको इसका ही ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। फिलहाल आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू न्यू वीडियो मिलती रहे। और ये देखिए नज़ारा भाई लोगों ग्वालियर का, किला भाई बहुत मशहूर है हमारे ग्वालियर का। ट्रेन जा रही है, हाँ यार ट्रेन जा रही है। चलिए भाई क्या कर रहा है राल भाई, चल। हाँ ठीक है आ जा भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको, क्यों राल भाई आ रहे हैं कि नहीं आए यार जल्दी यार। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यार, इन रूमों में बहुत अंधेरा सा लग रहा है। देखिए कितनी सुनसान प्लेस है। ये देखिए दोस्तों, इस रूम में बहुत डर लग रहा है मेरे को जाने में, पर मैं आपके लिए एक्सप्लोर करूंगा इसको। राहुल पता नहीं कहाँ चला गया, ये बहुत डरावना लग रहा भाई ये रूम, हिम्मत नहीं हो रही। मैं सोच रहा हूँ राहुल को बुला लूँ, पर ठीक है चलता हूँ भाई, मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या है अंदर भाई। यार डर तो लग रहा है मेरे को। भाई क्या है यार इसमें तो यार बहुत डर लग रहा है, अजीब सा एहसास हो रहा है मेरे को। अरे यार ब्रिजेश जाने कहाँ चला गया, अभी देखता हूँ मैं। ब्रिजेश देखिए बहुत बहुत बड़ा है, पता नहीं ये ब्रिजेश की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। यार ब्रिजेश जाने कहाँ चला गया है, सुना ही कुछ दे नहीं रहा यार। यहाँ पे ये देखो, ये एक अंधेरा सा कमरा है, ये दो कमरे हैं, ब्रिजेश की आवाज़ अभी तक नहीं आ रही यार। ब्रिजेश इस वाले कमरे में जाके देखता हूँ यार, ये पता नहीं देखो क्या क्या बने हुए हैं यहाँ पे। ब्रिजेश क्या हुआ, चल उठ जा, जो मोबाइल तेरा यहाँ डाला है, क्या कर रहा है यहाँ पे, चल खड़ा हो, इधर बैठ। क्या हो गया मैं रिकॉर्ड कर रहा था यार। तू तो अभी तो यार मेरे साथ ही था ना, निकल गया था आगे, यहीं पे तो था मैं तेरे साथ। हाँ तो फिर यहाँ पे तेरे मोबाइल भी देखो, तेरा यहाँ पे डला हुआ था, पता नहीं इस पे क्या है इसमें ऐसा। यार मैं क्या यहीं पे था क्या मैं? हाँ चल पानी वानी पी जाएगी, पसीना बहुत आ रहा तेरे, चल पानी वानी पिए चल। ब्रिजेश से बात करते हैं, क्यों ब्रिजेश क्या हो गया था? पता नहीं यार मैं कमरे में गया था शूट करने के लिए। अचानक पीछे रह गया था, वो मेरे लेस बांध रहा था मैं अपने शूज, चक्कर से आए मुझे अचानक यार, चक्कर से आए हुए पता नहीं। तू आया था उसके बाद, मतलब तभी मेरे को दिखाता बस तू, पर बीच का पता नहीं मैं क्या हुआ। अरे तो हम तो यार बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, आवाज भी दे रहे थे, तूने आवाज भी नहीं सुनी यार। कितनी देर हो गई थी ऐसे? अरे कम से कम 15 मिनट तो हो गए यार, पता नहीं यार भाई इसका मतलब क्या है यार। चल भाई चलते हैं इसको ब्लॉग को भाई यही खत्म कर दो, आज इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं भाई। अब हम घर निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है, नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ पर रुक नहीं सकते।